अजयनगर निवासी ई रिक्शा चालक ने कोतवाली थाने में ई रिक्शा चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिवादी दिलीप कुमार ने बताया कि वही रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है और इसी दौरान पृथ्वीराज मार्ग हिंदू धर्मशाला के पास वह कुछ देर आराम के लिए रुका था और इस दौरान उसकी आंख लग गई। इसी बीच देर शाम को अज्ञात चोरों ने ई रिक्शा चुरा लिया और वहां से फरार हो गए। इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी भी देखे हैं, जिसमें चोर नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। दिव्या, कहाँ आए और क्या वारदात हुई? सर, मेरा ई रिक्शा चोरी हो गया। रात को मैं लोडा धर्मशाला ही कमाता हूँ, तो उसके सामने जो हिंदू धर्मशाला है वहाँ पर मैंने मेरा ई रिक्शा खड़ा किया था और पास में ही बिल्कुल नज़दीक ही मैं सो गया था। थका हुआ था, नींद लग गई मेरी। कुछ ही देर बाद में जब मैं उठा तो वहाँ पर मेरा रिक्शा मौजूद नहीं था। फिर वहाँ पर मैंने सब जगह स्टेशन वगैरह, गांधी भवन, इधर कचेरी रोड, इधर आगरा गेट, इन सारी जगह पैदल पैदल जगह ढूंढा, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। दूसरे दिन मेरे बच्चे ने भी, मेरे जो ऑटो स्टाफ है उन्होंने भी, सब ने साथ में ढूंढा, लेकिन फिर भी ई रिक्शा नहीं मिला। फिर कल मैं 10 बजे करीब थाने आया, यहाँ FIR, हाँ, कोतवाली थाना आया, यहाँ FIR दर्ज कराई। अब देखो क्या कार्रवाई होती है। तो कुछ नज़र आ रहा है फुटेज वगैरह? हाँ, नज़र आ रहा है। वैसे बैटरी रिक्शा है अपना, पैंथर अतुल, पैंथर अतुल जो अपने सिर, ये अपने आदेश नगर रोड पर है, अरियंत वालों की, वहीं से फाइनेंस किया मैंने और वहीं से उठाया रिक्शा। ठीक है। आपका नाम? दिलीप कुमार जाटव। लगभग कितनी लागत का था? 1,70,000 रुपये का। नया लिया था? नया ही लिया था सर। कितने दिन हुआ? ये 4 महीने समथिंग हुआ है। गुजारा इसी से? बस मात्र एक यही कमाने खाने का जरिया और कुछ भी नहीं। ठीक है। आपका नाम? दिलीप कुमार जाटव।